ay jay jay deva hare moli jay namana bhagavata jay jay deva hare akari apisa jaya ganjaya jana ranjana deva kari apisa jaya ganjaya jana ranjana deva tribhuvana bhavana nidhana jagukulanali nandinendra jaya jaya deva hare jagukulanali nandinendra jaya jaya deva hare amadu mora jaya kavi natana garuda sarane malumora jaya kavinasa garuda sarane jadu kolanali nagideta sura kolake nidana jay jay deva hare sura kolake nidana jay jay deva hare 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 jay jay nata hare jay jay deva hare jay jay nata hare amala kamala dala lochana bhava mohanjane amala kamala dala lochana bhava mohanjane tribhuvana bhavana nidhana tribhuvana bhavana nidhana tribhuvana bhavana nidhana jaya jaya deva hare janaka suta krita bhosana gita dutana janaka suta krita bhosana samara samita dasakanya samara samita dasakanya jay jay deva hare abhinava jala dhara sundara bhuta mandaya re abhinava jala dhara sundara bhuta mandaya re Shri Mukha Chandra Chakora Shri
Govinda Radhe,
Oh,
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम ज्ञान तिमिरां दस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकापदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपे सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य क्षिप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। जय रूप सनातन भट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट दास रघुनाथ ऐ चय गोसाई करी चरण वंदन। दाहाय विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा को हम श्रवण करेंगे। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कथा है कहती ये सारे शास्त्र में है, क्योंकि कलियुग में श्रीमान महाप्रभु प्रच्छन्न रूप में आते हैं। प्रच्छन्न मतलब छुप करके आते हैं, इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट रूप में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सारे गीता भागवत पुराण वेद सर्वत्र श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सर्वत्र विद्यमान है। एक ग्रंथ है जिसका नाम अनंत संहिता। कि अनंत संहिता ग्रंथ में स्वयं माता पार्वती श्री शंकर जी से प्रश्न करते हैं, बोले हे प्रभु आपका मुंह से तो मैंने बहुत सारी कथा सुनी है। कृष्ण राम भगवान के अनंत अवतारों की मैंने कथा सुनी है, लेकिन कभी कभी बीच बीच में आप कभी गौरहरी
चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य विश्वंभर, कभी कभी ये सब नाम को आप कभी कभी लिया करते थे, कभी ये कौन है ये चैतन्य महाप्रभु, ये विश्वंभर कौन है, ये गौर हरि कौन है, ये गौर हरि। जब उन्होंने ये प्रश्न करते हैं तब शंकर जी सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए। ट्रांसलेट कनका जब पार्वती ऐसे प्रश्न की, बोले शंकर जी सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। बोले पार्वती तुमने बड़ी सुंदर तुमने प्रश्न की है, इतना सुंदर तुमने प्रश्न की, मेरा हृदय तो प्रेम में गदगद हो गया है, मेरा हृदय एकदम खिल गया, मेरा हृदय है। इसलिए पार्वती, इसलिए तुमने इतने सुंदर तुमने प्रश्न की, कभी पार्वती कौन है, बोले ये राधा रानी की ही ये प्रकाश श्री पार्वती है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले उमार मा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आम नाय बारी। कभी जितने सारे शक्ति उमा रमा सत्या, कभी ये सब के सब राधा रानी की ये प्रकाश है, ये और कोई नहीं। इसलिए पार्वती, इसलिए तुमने इतने सुंदर तुमने प्रश्न की, चूंकि तुम राधा रानी की तुम प्रकाश हो। तब शंकर जी बड़े सुंदर पार्वती का आलिंगन किए, आलिंगन करके श्री चैतन्य महाप्रभु का जो नाम क्यों अलग अलग नाम पड़ा, तब इसका कारण को शंकर जी कहते हैं कि उनका एक नाम है सचिनंदन गौर हरि। कहते इनका नाम गौर हरि क्यों नाम पड़ा, मतलब कारण कृष्ण जब द्वापर युग में बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने लीला की, लीला करके जब उन्होंने अपना गोलोक वृंदावन में चले गए, एक दिन निकुंज में बैठी बैठी करे कृष्ण सोच रहे हैं, कहते मेरे मन में जो कुछ इच्छा थी सारी इच्छाओं को मैंने पूरी की, लेकिन एक चीज मेरे समझ में नहीं आया। बोले वो क्या चीज है, बोले राधा जी की प्रेम की क्या महिमा है, जो राधा रानी मुझे देख करके मुझे जितने आनंद होता है, यद्यपि मैं रस स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, लेकिन मुझे जितने आनंद होता है राधा रानी को तो करोड़ों गुण ज्यादा आनंद होता है, और वो अपना प्रेम में वो मेरे को नचा लेती है श्री राधा रानी। तो ये राधा जी की क्या प्रेम की महिमा क्या है, और मेरा जो अद्भुत जो रूप है, मेरी अद्भुत रूप में क्या माधुर्य है, जिसको देख करके मैं स्वयं मुग्ध हो जाता हूं, इसलिए मेरे अंदर में क्या माधुर्य है, और राधा रानी मेरे प्रेम को कैसे आस्वादन करते हैं। इसलिए ये सब कारण को लेकर के कृष्ण स्वयं कलयुग में राधा जी की भाव और अंग कांति को लेकर के श्री कलयुग में श्री महाप्रभु अवतरण होते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया गौर हरि। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। गौर मतलब राधा रानी कोरी, हरि मतलब कृष्ण हरि, कदी ये दोनों मिल करके श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया गौर हरि। कहते उनका एक नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। बोले श्री कृष्ण चैतन्य नाम क्यों पड़ा, बोले जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सन्यासी ग्रहण करते हैं, सन्यासी का समय में कभी जो प्रकाशानंद ने कभी उन्होंने महाप्रभु का नाम श्री कृष्ण चैतन्य नाम दिया है। बोले कारण है चैतन्य मतलब होता है चेतनता, कृष्ण रूपी चेतनता, जिसने ये विश्व ब्रह्मांड में उन्होंने ये कृष्ण भक्ति रूपी चेतनता को जिसने विश्व ब्रह्मांड में प्रचार किया है। इसलिए महाप्रभु का भविष्यवाणी था,
पृथ्वी ते आचरत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हई विमरना। एक दिन ऐसे आएगा पृथ्वी में जितने नगर ग्राम जितने पल्ली, एक दिन ऐसे आएगा सबके सब व्यक्ति बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, सबके सब महाप्रभु का नाम लेकर के सर्वत्र कीर्तन करेंगे। ये महाप्रभु का ये भविष्यवाणी है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं महाप्रभु ये एक मूल स्कंध है और उसमें दो शाखा निकली है, एक अद्वैत आचार्य और एक नित्यानंद प्रभु, और उससे और भी कुछ शाखा निकले। बोले कौन है? बोले स्वरूप दामोदर राय रामानंद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, उससे भी शाखा निकले। बोले उससे भी अनंत शाखा निकले। बोले उससे श्री नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास प्रभु निकले, फिर उससे फिर बलदेव विद्याभूषण प्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी निकलते हैं, फिर उससे निकलते श्री भक्ति विनोद ठाकुर, और उससे निकले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद निकले, और जिससे फिर निकले प्रभुपाद का जो अनंत शिष्य लोग हुए हैं, हाँ श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, और हमारे गुरु परंपरा, ये सब के सब उससे निकले। फिर उससे कौन निकलते हैं? कहते श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज उस शाखा से निकलते हैं। वो शाखा बढ़ते 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 एक दिन विश्व पूरा विश्व को ही पूरा ही कवर कर लिया, और वो शाखा बहते बहते कहां पर हॉलैंड में आ गया। श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की, इसलिए वो आता है श्री हॉलैंड में आते हैं। फिर आप लोग जैसे हाँ भक्तों को उन्होंने भक्ति रस में वो सराबर कर देते हैं। इसलिए कहती है महाप्रभु का ये भविष्यवाणी था, ये पृथ्वी में सर्वत्र हरि कीर्तन हरि नाम जगत में प्रचार होगा, इसलिए इनका नाम पड़ गया श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण रूपी चेतनता को जिसने विश्व ब्रह्मांड में उन्होंने अर्पण किया, सब विश्व ब्रह्मांड में जिसने प्रचार किया है, कहते उनका एक नाम है चैतन्य। बोले चैतन्य नाम क्यों पड़ा? चैतन्य मतलब होता है चेतनता, जो विश्व ब्रह्मांड में जिसको वेद कहता है वो एक मेव मद्वितीय, वो एक है। बोले एक अपि बहुश्याम, वो एक ही थे जो बहु रूप में प्रकटित हुए। बोले एक रूप में फिर वो कौन थे? बोले एक श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में, केवल एक रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु थे। जब बहु रूप में हुए एक से फिर राधा निकली है, फिर से बलदेव प्रभु निकलते हैं, फिर विश्व ब्रह्मांड राधा रानी से जितने सारे काय शक्तियां निकलती हैं, फिर श्री बलदेव प्रभु से जितने सारे धाम जितने अपराकृत धाम बलदेव प्रभु से जितने सारे अवतार निकलते हैं। इसलिए वो एक चेतनता स्वरूप में केवल वो एक थे, वो एक से ही वो बहुत हुए, इसलिए उनका नाम है श्री चैतन्य नाम पड़ा है। हाँ? इसलिए उनका एक नाम है विश्वंभर। बोले विश्वंभर नाम क्यों पड़ा? बोले जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जन्म हुए, साधारण जैसे राष्ट्रपति कोई प्राइम मिनिस्टर आए उनके लिए कितने स्वागत होता है, लेकिन जब अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक जब ये जगत में आते हैं फिर उनके लिए कितने स्वागत नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आए ये पृथ्वी इतने प्रसन्न हो गई, क्योंकि मेरे प्रियतम आ रहे हैं, मेरे प्रभु जी आ रहे हैं। हाँ? इसलिए एक दुल्हन का भाती ये पृथ्वी सलथज जाती है अद्भुत रूप में, जैसे गोपियां कहती हैं भागवत में बोले जयती जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत दायित दीक्षता दीक्षुता कोई धृता सब त्वांग विचिन्नते। इसलिए गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर जब तुमने जन्म लिया है, कहते श्रयत इंदिरा जो लक्ष्मी की जो वृंदावन धाम लक्ष्मी की क्रीड़ा भूमि बन जाती है,
उसी तरह जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में जन्म लेते हैं, ये पृथ्वी भी बड़ी सुंदर ये पृथ्वी सजाई जाती है। इसलिए सारे वृक्ष में, सारे पत्ते में, सारे फल, सुंदर सुंदर फल फूल से ये पृथ्वी सजाई जाती है। इसलिए इनका नाम पड़ा विश्वंभर, मतलब जिसने ये विश्व ब्रह्मांड को प्रेम के द्वारा बात फल फूल को द्वारा जो विश्व ब्रह्मांड को जो भरण पोषण करती हैं, बोले से सच्चिदानंद गौर हरि की जय। इसलिए उनका नाम पड़ता है श्री विश्वंभर, उनका नाम पड़ा है। इसलिए शंकर जी एक एक करके उनको नवद्वीप धाम की श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम का अर्थ बताए। तब शंकर जी कहते पार्वती नवद्वीप धाम की अद्भुत महिमा है। कहते एक समय श्री अनंत देव वो जाते हैं महाविष्णु को पास में, बोले हे प्रभु आपका आशीर्वाद से मैंने सारे धाम को मैंने दर्शन किए, लेकिन अभी तक श्री वृंदावन धाम का दर्शन करने का भी सौभाग्य नहीं मिला, इसलिए आप ये वृंदावन धाम में कैसे दर्शन करो। ये कथा सुन करके महाविष्णु कहते हैं अगर कोई बोले कुत्ते का पूंछ पकड़ करके हम समुद्र पार हो जाएंगे, ये क्या संभव है? ये असंभव है। कहते उसी तरह तुम बोलते हो वृंदावन धाम को दर्शन करोगे, इतने सहज नहीं ये वृंदावन धाम दर्शन करना। बोले तुम्हारा तो बात ही छोड़ दो, जो कर्णदगो साई विष्णु, जो गर्भदगो साई विष्णु, जो खिराब्धि साई विष्णु, कहते हुए लोग अभी तक भी ये वृंदावन धाम का दर्शन नहीं कर पाए। मैं भी अभी तक इस वृंदावन धाम में नहीं जा पाया हूं। कहते ये वृंदावन धाम की इतने दुर्लभता, जहां पर लक्ष्मी भी अब भी बैठ करके बेलवन में वो कठोर तपस्या कर रही हैं, ये वृंदावन धाम में प्रवेश पाने के लिए, जहां पर ब्रह्मा जी स्वयं ब्रज का बाहर वो पत्थर रूप लेकर के भजन करने की, पत्थर रूप में जन्म लेने की इच्छा करते हैं, जहां पर श्री उद्धव जी यहाँ के किसी घास गुल्म लता रूप में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, ये वृंदावन धाम की इतने अद्भुत महिमा से वृंदावन धाम की इतने आसान नहीं जो कि कोई वृंदावन धाम में जा सके। अभी प्रश्न है, बोले देखो जो वृंदावन धाम में जो वृक्ष है वहां का जो लता पता साधारण नहीं। कहती है सब के सब, बोले चिंता मणि प्रकर्षत मसुकल्प वृक्ष लख्या वृत तु सुरभि रभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम् ब्रह्मसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसलिए पितामह ब्रह्मा कहते हैं जो वृंदावन धाम चिंतामणि कल्प वृक्ष पानी अमृत चलना वहां नाचना बोलना वहां पर गाना है सुना जहां पर समाधि का फल मिलता है। इसलिए वृंदावन धाम कोई ये साधारण भूमि नहीं, अपराकृत दिव्य धाम श्री वृंदावन धाम है। कहते वृंदावन धाम में जो यमुना नदी बह रही है, बल्कि ये यमुना नदी नहीं, कहते राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के पानी रूप धारण करती है, कहते यमुना नदी रूप में बह रही है। कहते जो मानसी गंगा जिसको कृष्ण स्वयं मन से प्रकट करते हैं, बोले राधा कुंड श्याम कुंड क्या है? बोले राधा कुंड श्याम कुंड नहीं, राधा रानी स्वयं ये राधा कुंड धारण की और कृष्ण स्वयं ये कृष्ण कुंड रूप में धारण किया। ये राधा कृष्ण स्वयं ये कुंड रूप में राधा कृष्ण ये प्रकट हुए हैं। इसलिए बोले जथा राधा प्रियम कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेशु सर्वैका विष्णु रतंत वल्लवा। इसलिए जो राधा कुंड श्याम कुंड है ये कृष्ण राधा स्वयं ये पानी रूप में ये प्रकट हुए हैं, श्री राधा कुंड और श्याम कुंड है। बोले भैया ये प्रेम सरोवर क्या है? बोले ये प्रेम सरोवर नहीं, कहते राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो जब द्रवीभूत होकर के वो धारण करती है, कहती है प्रेम सरोवर है। बोले मान सरोवर,
कभी मान सरोवर नहीं, कभी राधा रानी कभी मान करती हैं, हैं? कभी राधा रानी रास लीला करते करते एक दिन राधा जी ने क्या की थी, एक सुंदर फूलों की माला बना करके कृष्ण गला में पहना है। कृष्ण ने वो राधा जी की बनाया हुआ माला को उतार करके गले से किसी पेड़ के ऊपर में उन्हें लटका दी। इतने में वो फूलों की माला को एक सूप पक्षी ने उसको लेकर के आकाश में उड़ते हुए जा रहा था। कद एक चंद्रावली ने देखा, अरे ये तो बड़ा सुंदर कृष्ण का प्रसाद माला। चंद्रावली सखी क्या की, कहती वो तोते को अनार दाना की उनको लोभ दिखा करके बोल इधर आओ। वो अनार दाना खाने का लोभ से आए और उसका अनार दाना खिला करके वो जो कृष्ण का जो प्रसाद माला को अपना चोटी में बांध देती है। थोड़ी देर बाद में ललिता देखती है, कभी ये फूलों की माला तो राधा रानी बना करके वो कृष्ण को पहनाया था, लेकिन ये फूलों की माला ये चंद्रावली की चोटी में कैसे आ गया। इतने में ललिता बोले, देख राधा, ये कृष्ण को प्रेम करना नहीं आता है, तुमने कितने प्रेम से फूलों की माला तुमने दी और वो माला कैसे इसके चोटी में कैसे आ गई। ये कृष्ण अंदर अंदर से इसको ज्यादा प्रेम करते हैं। बास राधा रानी तो मान कर लेती, मान करके और रास छोड़कर चली जाती। बोले कहां पर चली जाती, बोले मानस जो मान सरोवर वहीं पर चली गई। और कृष्ण विरह में रो करके अपना आंखों का आंसुओं से पूरा उसने तालाब भर दिया है। इसको कहते हैं श्री मान सरोवर, इसको कहते हैं। इसलिए वृंदावन धाम में जितने सरोवर जितने नदी वो कोई साधारण नहीं, ये सब के सब कृष्ण प्रेम ही, ये सब के सब नदी सरोवर रूप धारण किया है। मतलब एक समय सारे तीर्थ में मीटिंग है, बोले सारे तीर्थ में राजा कौन है। तो उन्होंने बोले सारे तीर्थ में राजा ये तीर्थराज प्रयाग। ये प्रयाग जहां पर गंगा जमुना सरस्वती, तो तीर्थराज प्रयाग है। बोले प्रयाग को हम राजा बनाते हैं। अभी जो राजा बनेगा उनको टैक्स भरना पड़ता है, हैं? अभी सारे नदी तो आकर के तीर्थ आकर के उसको टैक्स भरते हैं, लेकिन केवल एक वृंदावन धाम में कोई भी, वहां के तो नदी की बात छोड़ दो, वहां तालाब की बात छोड़ दो, वहां के एक कुआ तक भी वहां पर टैक्स भरने नहीं आता है। एक दिन प्रयाग दुखी होकर कृष्ण के पास में आए, बोले प्रभु आप मेरे को तीर्थराज प्रयाग बनाए हो, लेकिन यहाँ कोई टैक्स भर नहीं आता है, कि वृंदावन में कुआ तक भी यहाँ पर नहीं आते हैं, मेरे को झूठ मूठ का आपने क्यों बना दिया, यहाँ के राजा किस लिए बना दिए। जब इतने बोले तब कृष्ण ने कहा, तीर्थराज मैंने तुमको ये तीर्थ का राजा बनाया हूं, हा? तेरे को मैंने ये तीर्थराज बनाया हूं, लेकिन अपना घर का नहीं बनाया। कभी जो वृंदावन धाम नहीं, कभी अपना ये घर है, हा? ये वृंदावन धाम को कभी वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, ये वृंदावन छोड़कर के एक कदम भी कहीं बाहर नहीं जाता हूं। ये वृंदावन तो मेरा अपना घर है, वृंदावन धाम। बोले श्री वृंदावन धाम की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। इसलिए ये वृंदावन धाम कोई साधारण वस्तु नहीं। इसलिए श्री अनंत देव भगवान विष्णु कह रहे, बोले अनंत देव ये वृंदावन धाम में जाना साधारण बात नहीं है, हा? बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जहां पर गुल्म लता बनने के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर प्रश्न आता है, फिर क्या वृंदावन धाम में हम जा नहीं सकते क्या। बोले हाँ एक उपाय है, कहते वृंदावन धाम में जाने का एक उपाय है। बोले बताओ क्या उपाय है। बोले अभी वृंदावन प्रेम को देने के लिए स्वयं कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर के श्री नवद्वीप में आए। शंकर जी कहते पार्वती मैं तेरे को सच सच बता रहा हूं, पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, लाख लाख बार सारे तीर्थ में चले जाओ, हैं? उसमें जो फल मिलेगा, एक बार अगर कोई श्री नवद्वीप धाम में एक बार चली जाए
उस अनंत करोड़ गुण में ज्यादा फल मिलेगा एक बार से नवद्वीप धाम परिक्रमा करने का। इसलिए जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु बड़े कृपालु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नवद्वीप धाम भी भगवत अभिन्न श्री नवद्वीप धाम है। इसलिए नवद्वीप धाम की बड़ी महिमा पार्वती तो उन्होंने नवद्वीप धाम की महिमा बताए। जब उन्हें नवद्वीप धाम की महिमा बताए मतलब एक बार कोई नवद्वीप धाम में जाकर परिक्रमा कर ले भास परिक्रमा करते ही अपने आप उसको वृंदावन धाम में अपने आप स्थान मिल जाएगा। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौर प्रेम रसार नवे से तरंग जे बाडूवे से राधा माधव अंतरंग। इसलिए जो व्यक्ति गौर प्रेम रसार नवे महाप्रभु का प्रेम रूपी समुद्र में जो गोता लगाएगा वो अपने आप श्री वृंदावन धाम में अपने आप प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बोले जथा जथा गौर पदार विंदे जितने परिमाण में महाप्रभु के चरण में हमारी प्रेम होगी उतना परिमाण में राधा कृष्ण प्रेम में हम अपने आप निकलेंगे अपने आप राधा कृष्ण का प्रेम हमें प्राप्त हो जाएगी। बोले श्री नवद्वीप धाम की तो मैया पार्वती प्रश्न करती हैं बोले प्रभु ये नवद्वीप धाम क्या है ये नवद्वीप धाम कैसे प्रकाशित हुआ है। तब शंकर जी पार्वती को नवद्वीप धाम की महिमा सुनाते हैं। बोले पार्वती बोले एक समय राधा रानी देखती हैं ये कृष्ण कहीं जाते हैं लेकिन मेरे को बिना बोले चले जाते हैं। हाँ जैसे कहीं जा रहे हो बोल करके जाओ हम अमुक स्थान पर जा रहा हूं लेकिन बिना बोले चले जाते हैं और जब वापस आते हैं मेरे को ऐसे लगता है जैसे उनका मन में कुछ चंचलता है। जैसे पत्नी अगर पति कहीं जाए हाँ कहते पत्नी आसानी से ही पति को समझ लेती है ये जरूर कहीं जा रहे हैं कहीं। राधा जी के मन में ये तो शंका डाउट हो गई ये कहाँ जाते हैं क्यों जाते हैं बिना बोले क्यों जाते हैं। एक दिन राधा रानी उनका एक सखी थी बोले सखी तुम पता लगाओ ये कृष्ण कहाँ जाते हैं अकेले अकेले। सचमुच से वो सखी पता लगाई कृष्ण एक स्थान पर जाते हैं जैसे वृंदावन में यमुना नदी बह रही है वहां पर भी बड़े सुंदर गंगा बह रहे हैं जैसे वृंदावन धाम बड़ा सुंदर दिव्य धाम है इसे वृंदावन धाम जुई बेली चमेली सुंदर सुंदर वृक्ष कोयल कुहू कुहू करते हैं मयूर के का कर रहे हैं ऐसे एक अद्भुत और एक धाम है हैं जहां पर सुंदर बेली चमेली फूल से भरा अद्भुत स्थान है। कृष्ण वहीं पर जाते हैं वहां पर एक सखी है जिसका नाम है बिरजा। वो बिरजा सखी को साथ में वहां पर वो क्रीड़ा करते हैं। ये सखी पता लगाकर देख लिया राधा जी जो डाउट कर रही थी वो एकदम सही निकली तो वो सखी आकर के राधा रानी को बोलती बोली राधे तुम जो सोच रहे थे ना सही निकली ये कृष्ण और किसी सखी को साथ में मिलने जाते हैं। राधा रानी सुनते ही ठीक है मैं भी पता लगाती हूँ वो कहाँ जाते हैं। एक दिन राधा रानी भी ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गई। इतने में कृष्ण वो बिरजा सखी को साथ में क्रीड़ा कर रहे थे जब देखा या राधा रानी आ गई जो बिरजा थी वो तो राधा जी के डर से वो तो द्रवीभूत होकर के पानी रूप में परिवर्तन हो गई पानी रूप में बह गई और जो कृष्ण थे कृष्ण तो डर करके कृष्ण कहीं अंतर ध्यान हो गए। तब राधा रानी देखा ओ कृष्ण को ये स्थान बड़ा प्यारा है हाँ कृष्ण को बड़ा प्यारा है। तब श्री स्वयं राधा रानी वहीं पर खड़ी होकर के बड़ी सुंदर बंसी ध्वनि करती है वो बंसी ध्वनि सुन करके फिर कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। जितने ललिता विशाखा चंपकलता तुंग विद्या सारे सखियां वहां पर प्रकट होती हैं। प्रकट होकर के इतने में राधा कृष्ण धीरे 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 जो दो थे देखते देखते धीरे धीरे दोनों वो एक रूप धारण हो गए वो एक रूप हो गए श्री चैतन्य महाप्रभु रूप धारण किया।
और जो जो सखियां थी वो सब के सब पुरुष रूप को धारण कर ली। कहते ललिता तो बन गई श्री स्वरूप दामोदर, विशाखा बन गए राय रामानंद, तुंगभद्रा बन गई प्रबोधानंद, रूप मंजरी रूप गोस्वामी, लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी, वो सब के सब पुरुष बन गए। और पुरुष बन करके सबके सब जयकार दिए, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, महाप्रभु जयकार, महाप्रभु प्रकट हो गए। ऐसे करते 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 सब सब कीर्तन करने लग गए, बोले जय सचिनंदन जय गौर हरि, सचिनंदन जय गौर हरि, सचिनंदन जय गौर हरि, सचिनंदन जय गौर हरि। गौरांग बोलिते हवे पुलका शरीरा, हरि हरि बोलिते ना क्याने भावे नीरा। गौरांग बोलिते हवे पुलका शरीरा, हरि हरि बोलिते ना क्याने भावे नीरा। आय कावे नीताय चांदे करुणा है वे, संसार बसना मोर कब तो चहारे। आय कब नीताय चांदे करुणा है वे, संसार बसना मोर कब तो चहारे। छरिया कवे सुधावे माना, कवि हम हे रव श्री वृंदावना। विषया छरिया कवे सुधावे माना, कवि हम हे रव रूप रघुनाथ पदे आईबे अगोते, कबे हम बोझब से जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे आईबे अगोते, कबे हम बोझब से जुगल प्रीति। अरूप रघुनाथ पदे रहु मोर वास, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। रूप रघुनाथ पदे गौरांग बोलिते हवे पुलका शरीरा, हरि हरि बोलिते ज्ञानी बाबरीरा। गौरांग बोलिते हवे पुलका शरीरा, हरि हरि बोलिते ज्ञानी बाबरीरा। जय सचिनंदन जय गौर हरि, सचिनंदन जय गौर हरि, जय सचिनंदन जय गौर हरि, सचिनंदन गौर हरि। सारे महाप्रभु के भक्त महाप्रभु की कीर्तन करने लगे। तब श्री राधा रानी देखा ओ कृष्ण को ये धाम बड़ा प्यारा है। तब राधा रानी अपना हृदय से ही कहते नौ कुंज उन्होंने बनाया, जो नवद्वीप धाम, और नवद्वीप धाम नहीं, ये राधा रानी के हृदय से
ये स्वयं ना कुंज बनी है कृष्णा प्रीति के लिए, कृष्णा सुख के लिए है। जहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, राधे आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं ये नवद्वीप धाम छोड़ करके मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, ये नित्य नवद्वीप धाम में मैं निवास करूंगा। इसलिए कद नवद्वीप धाम नहीं, कद ये नवविद्या भक्ति का स्वरूप है। जैसे से श्री प्रहलाद महाराज जब उनको पिताजी ने कहा बेटा तुमने गुरुकुल में जाकर क्या पढ़े हो, तुमने गुरुजी ने क्या उत्तम विद्या सिखाया वो बताओ तुम, तो प्रहलाद महाराज खुद कहते हैं बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत अध्या तन्मन्ने धीतमोतम। तो पिताजी ये जो नर तरह का जो भक्ति सब सबसे पहले गुरु जी और ठाकुर जी के चरण में शरणागत होकर के जो व्यक्ति ये नर तरह का विद्या को अपना जीवन में अपनाते हैं कहते सारे विद्या में ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और जो नव विद्या जो भक्ति में कहते एक एक भक्ति को जाजन करते हुए भगवत प्राप्ति हो गई। श्रवण में श्री परीक्षित महाराज केवल कथा सुनते सुनते भगवत प्राप्ति हो गई। कीर्तन में श्री सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तन करते करते ही उनको उद्धार हो गया। स्मरण में प्रहलाद महाराज केवल स्मरण करते करते भगवत प्राप्ति हो गया। पाद सेवन में कहते लक्ष्मी केवल ठाकुर का पद सेवन करते करते उनको उद्धार हो गई। कहते अर्जुन कहते ये सख्य में, बोले हनुमान जी बोले ये दास्य में, बोले बंधन में बोले श्री अकुर जी। इसलिए कहते एक एक भक्ति को जाजन करते हुए भक्तों ने भगवत प्राप्ति करी है। लेकिन अगर कोई नवद्वीप धाम का परिक्रमा करे उनको एक एक है कहते एक एक जो नवद्वीप में जो एक एक जो ऋतुदीप कौल दीप एक एक जो दीप है वो भक्ति का एक एक स्वरूप है। वहां पर जाने पर अपनी आप हमें ये नव विद्या भक्ति जाजन करने का फल अपनी आप मिल जाएगा है। इसलिए शंकर जी बोले पार्वती ये नवद्वीप धाम नहीं, ये नव कुंज है, ये राधा रानी कृष्ण सुख के लिए नव कुंज बना है। अगर कोई ये नवद्वीप धाम में जाकर कोई परिक्रमा करे, परिक्रमा करने पर अपनी आप उसको वृंदावन धाम में राधा कृष्ण की नित्य सेवा में उसको स्थान मिल जाता है। इसलिए कहते हैं नवद्वीप धाम की ये महिमा है। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु अभी जन्म ग्रहण कैसे करते हैं, कहते हैं जो चैतन्य महाप्रभु जो कथा है ये हर ग्रंथ में है। और जो हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को भजन करने वाले हम लोग चैतन्य महाप्रभु भजन करते हैं। अभी प्रश्न है जैसे हमारा भारत में जाओ इतने भगवान जैसे खेती में बीज होते हैं ना वो ऐसे ही भगवान निकलते हैं। इतने कोई साई बाबा आ गए हाँ वहां पर इतने भगवान हैं जो सोच नहीं सकते हैं। कोई सारथी बाबा आ गए ऐसे कितने भगवान आ रहे हैं हमारे इंडिया में। कर भैया वो भी तो उनको भगवान कहते हैं, हम भी चैतन्य महाप्रभु को भगवान कहते हैं, हम भी महाप्रभुपति भगवान है, राधा कृष्ण मिल करके एक स्वरूप है। कहते कहीं क्या प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु भगवान है, क्योंकि कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं हाँ कृष्ण गीता में स्वयं ये बात कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा पहले अनाउंसमेंट हो जाता है अमुक स्थान पर प्राइम मिनिस्टर इस हेलीकॉप्टर में हाँ एरोप्लेन में यहाँ पर उतरेंगे और यहाँ सब पहले सब पेपर में हो जाता है अनाउंसमेंट हो जाता है। कि जब साधारण जगत में कोई प्राइम मिनिस्टर आने पर उसके लिए इतने स्वागत पहले सब निकल जाता है कि उसी तरह जब वो अप्राकृत गोलोक वृंदावन से कोई भगवान इस जगत में आएंगे तो उसके लिए भी तो कोई प्रमाण होनी चाहिए हाँ उसके लिए भी प्रमाण होनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे बहुत सारे शास्त्रों में महाप्रभु आएंगे प्रमाण है। देखो भागवत में देखो
भागवत में वहां पर एकादश स्कंद में नेमी और नव जोगेंद्र संवाद है। वहां पर श्री नव जोगेंद्र ये कहते नौ महापुरुष कभी हबि अंतरिक्ष प्रभुत पिपलायन बहुत बड़े बड़े त्रिकाल दर्शा ऋषि है। एक दिन ये आते हैं श्री नेमी महाराज का दरबार पर। तब से नेमी महाराज कहते आज मेरे जीवन धन्य हो गया है, हमारे घर में संतलों का पदार्पण हुआ। तब श्री नेमी महाराज वो नौ जो महापुरुष थे उनको अलग 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 उन्होंने प्रश्न किया। उनको प्रश्न में एक प्रश्न उसमें है कि ये कलयुग में भगवान कौन है और वो भगवान को किस रूप में भगवान को भक्ति करनी चाहिए, उनका ये एक प्रश्न है। तो प्रश्न का उत्तर में श्री नव जोगेंद्र बड़ा सुंदर यहाँ 3-4 श्लोक में उसका आंसर देते हैं। उसका जो एक श्लोक है बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम जग्यै संकीर्तन प्रायै जजन्ति हि सुमेधस। बोले हे नेमि महाराज, कलयुग में जो बड़े बुद्धिमान होंगे, बड़े जो चतुर होंगे, वो क्या करेंगे? बोले कृष्ण जग्यै संकीर्तन प्रायै, बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण, बोले कृष्ण कदी जो दो वर्ण जो दो अक्षर है जिसके जुहा पर हर समय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमा, जो हर समय अपना जीवा में श्री कृष्ण नाम लेके, क्योंकि कृष्ण ही कलयुग में राधा जी के भाव अंका के लेकर के आए, कृष्ण में क्या माधुर्य आस्वादन करने के लिए, इसलिए हर समय जिनके जुहा पर कृष्ण 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 जो दो वर्ण हर समय जो उच्चारण करेगा। बोले उनका अंग का रंग कैसे होगा? बोले अकृष्णम, भगवान का जितने सारे अवतार सब काले हैं, सब काले हैं, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु हुए जो गौर रूप में हुए। बोले क्यों? बोले उन्होंने अंग राधा जी से दो चीज उन्होंने चोरी की, बोले एक तो राधा जी के भाव को और एक राधा जी के अंग कांति को, उन्होंने दो चीज को उन्होंने चोरी की। बोले उनको अंग कांति क्यों चोरी की? राधा रानी देखा जब मैं कृष्ण प्रेम में जब मैं पछाड़ खा करके मैं जब गिरती हूँ कितना कष्ट, ये मुझे पता है कृष्ण प्रेम में जो पछाड़ खा कर गिरती हूँ। अभी मेरे श्याम सुंदर हाँ अभी मेरी भाव अंग कांति को लेकर के जा रहे हैं, हाँ जा क्यों जा रहे हैं? कृष्ण प्रेम मेरे प्रेम का आस्वादन करने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं कृष्ण प्रेम का विरह में क्या कष्ट है। जब वो पछाड़ खा कर गिरेंगे, कृष्ण शरीर तो बड़ा कोमल है, कृष्ण शरीर तो बड़ा मुलायम है, जहां पर ब्रज गोपियां कहती है श्याम सुंदर तुम्हारे चरण इतने कोमल है, हम अपना वक्ष स्थल में भी तुम्हारे चरण को रखने के लिए हम कष्ट लगता है, इतने सुंदर तुम्हारे चरण कोमल कोमल है, और वो शरीर में जो पछाड़ खाकर गिरेंगे कितने कष्ट होगा श्याम सुंदर को। इसलिए राधा रानी किया कि कृष्ण को उन्होंने आलिंगन कर दिया, ऐसे आलिंगन करके अपना अंग से कृष्ण अंग को उन्होंने पूरा आलिंगन कर लिया। जब कृष्ण गिरेंगे कृष्ण को शरीर में कष्ट नहीं हो, मेरे शरीर में लगे, मैं ये कष्ट को मैं ग्रहण कर लू, इसलिए पूरा कृष्ण बोला अंत कृष्ण बहिर्गौरव, वो अंदर में तो कृष्ण लेकिन ऊपर में श्री राधा रानी ने उनको आलिंगन करके रखी है। इसलिए तिसाम अकृष्ण कहते उनका जो शरीर का जो रंग होगा वो गौर रंग के होंगे। बोले क्या वो अकेले आएंगे? बोले नहीं अकेले नहीं आएंगे। बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार्षद सियो धाम सह अवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करिवार दान सिखाए शरण गति भक्त तेरा प्राण। इसलिए जब वो आए अकेले नहीं आए, तो पूरा परिक्रमा को लेकर के आए। बोले सांग उनका जो अंग है, कृष्ण का अंग कौन? बोले बलदेव प्रभु, हाँ ये सदाशिव
हाँ कभी बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य बोले इन्हीं को साथ में आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, बोले सांग हाँ कहते उपांग और उसको साथ में उनका परिकर भी रहेंगे गदाधर पंडित श्रीवास हाँ अद्वैत इस सब के सब रहेंगे। बोले कलयुग में उनका अस्त्र क्या होगा, द्वापर युग में तो भगवान राम का अस्त्र धनुष बाण है, कृष्ण चक्र लेकर के आए, बोले कलयुग में वो अस्त्र क्या लेंगे, बोले कलयुग में अस्त्र बोले कृष्ण कीर्तन हाँ? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कभी जो हरि कीर्तन कलयुग में यही उनका अस्त्र है। बोले भैया ये अस्त्र कैसे, ये अस्त्र कैसे, बोले अस्त्र से क्या करते हैं, बोले काटते हैं, अस्त्र से किसको मारते हैं हाँ, ये अस्त्र का काम है मारना, जैसे रावण को मारे कंस को मारे हैं, लेकिन उसी तरह हमारा हृदय में भी बहुत बड़े बड़े दैत्य बैठे हुए हैं। कौन है, बोले काम क्रोध लोभ मोह इस सब के सब हमारे हृदय में बैठे हैं। बोले हृदय में जो दैत्य बैठे हैं बोले इसको कैसे काट सकते हैं, बोले इसको केवल ये हरि संकीर्तन के द्वारा ही ये हृदय में जो अनर्थ अपराध कर सकता है। इसलिए महाप्रभु बोले बोले चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्पापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए कहते ये कृष्ण जो हरि नाम हम जप करते हैं इसको द्वारा ही हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ इसको द्वारा, इसलिए कलयुग का जो अस्त्र है ये हरि नाम संकीर्तन है, कलयुग में ये अस्त्र है हाँ। इसलिए बोले कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे उनको किस रूप में उपासना करेंगे, बोले जग्ञ संकीर्तन प्रायई। इसलिए कलयुग में जो हरि कीर्तन यही कलयुग में ये यज्ञ यही है, इसको द्वारा भगवान की भक्ति होता है। बोले भैया ये कृष्ण कीर्तन यज्ञ कैसे हो गया, यज्ञ के लिए आहुति चाहिए, घी चाहिए, उसमें हवन सामग्री चाहिए, अग्नि चाहिए, फिर ये हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ कैसे हो गया। तो उनको उदाहरण दिया बोले जो कान है ये कुंड है हाँ, ये कान कुंड और जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कहते ये मंत्र है, जैसे इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा स्वाहा करती यही मंत्र है। बोले उसमें घी का है, बोले जो भाव को साथ में हम नाम लेते हैं यही घी, बोले उसमें जो चम्मच में घी डालते हैं वो कहाँ है, बोले ये जिह्वा है, जिह्वा में जब नाम करते हैं ये कानों में पड़ता है, इसलिए जिह्वा ही ये चम्मच है। बोले अग्नि कहाँ है, बोले हृदय से जब प्रेम प्रकट होता है यही अग्नि है। इसलिए कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण कीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा भगवान कृष्ण को उपासना करता है, इसलिए कि भागवत में ये श्लोक आया है और उसको बाद में और भी दो श्लोक आता है जिसमें सख्यात रूप में चैतन्य महाप्रभु बंदे महापुरुष सते चरणारविंदम, कलयुग में कैसे महाप्रभु आकर के उन्होंने जगत में हरि कीर्तन प्रचार करेंगे, हरि भक्ति को प्रचार करेंगे और दो श्लोक द्वारा कैसे परिकर को साथ में कौन कौन भक्त आएंगे क्या करेंगे और दो श्लोक में उसको भी वर्णना करते हैं। इसलिए भविष्य पुराण में उपनिषद में सर्वत्र कहां महाप्रभु जन्म ग्रहण करेंगे उनको पिताजी का नाम, उनका मैया का नाम, उनका भैया का नाम, कहां पर जगन्नाथपुरी में निवास करेंगे, संन्यास लेकर के बोले दारू ब्रह्म निकटस्थ सन्यासी गौरव विग्रह, बोले जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास रूप में वहां पर हरि कीर्तन करेंगे सारे ग्रंथ में। इसलिए हमारे महाराज जी श्री भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी एक ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया है, वो ग्रंथ है
महाप्रभु कलयुग में आएंगे, कौन सा शास्त्र में कहां कहां पर बताया, गुरुदेव ने वो ग्रंथों को प्रकाशित किया। इसलिए ग्रंथ को हमें पढ़नी चाहिए, फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रति हमारा दृढ़ विश्वास होता है। इसलिए एक श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म ग्रहण करते हैं, इसलिए जगत में जगत में महाप्रभु आने का उसमें चार ही कारण बताया है। चार ही कारण में कहते जो एक कारण उसमें एक है साधारण कारण है, साधारण कारण है कलयुग का धर्म है हरि संकीर्तन, उन्हें हरिनाम संकीर्तन प्रचार करने के लिए आए। उसका दूसरा कारण है जो अनर्पित चरिन चिराग प्रेम है, जो प्रेम को ब्रह्मा का एक दिन में एक बार दिया था और वो प्रेम जो देने के लिए आए, ये दूसरा कारण है। और जो मुख्य में दो जो कारण है, एक कारण श्री अद्वैत आचार्य जो भगवान को बुलाए तो वो महाप्रभु आए। इसलिए अभी प्रश्न है जब अद्वैत आचार्य आए, कहते भगवान आने से पहले पहले उन्होंने अपना गुरु वर्गों को भेज दिया, सारे गुरु वर्ग पिता माता हो तब तो बेटा होगा, इसलिए पहले उन्होंने सारे परिकरों को उन्होंने पहले भेज दिया, परिकरों को भेजा। कहते महाप्रभु अपना भक्तों को कहां कहां पर जन्म दिया है, कहते जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कहते और भक्तों को उन्होंने बड़े बड़े दूर दूर में उन्होंने जन्म दे दिया, बड़े बड़े दूर दूर में। बोले कहां पर, बोले पांडव वर्जित स्थान, जहां पर ये पांडव लोग नहीं गए उस स्थान को अपवित्र मानी जाती है, क्योंकि जब तक कोई भक्त का चरण धूलि कहीं नहीं पड़े उनका कल्याण नहीं है। इसलिए जब एक वैष्णव कहीं पर जन्म ग्रहण कर ले, एक वैष्णव बोले ताहर प्रभाव कोटि जोजन निस्तार, एक शुद्ध संत अगर कहीं जन्म ले लिया तो वो स्थान उसका चरण स्पर्श से वो स्थान पवित्र हो जाती है। जब एक शुद्ध भक्त ऐसे हाथ उठा करके जब वो नृत्य करता है कृष्ण कीर्तन में, कहते स्वर्ग में देवता लोगों का कल्याण होता है, इतने एक भक्त का महिमा है। जब प्रेम भरी दृष्टि से जब वो देखते हैं चारों तरफ में, जहां जहां उनका नेत्र पड़ता है, जहां जहां वो स्थान सब पवित्र हो जाता है। जब कृष्ण प्रेम में नृत्य करते हैं, जब उनका चरण स्पर्श ये पृथ्वी में लगे, कहते पृथ्वी भी अपना को धन्य मानती है। इसलिए बोले कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा वसतीश्च धन्या, एक वैष्णव जन्म लेने का कितने महिमा बताए, और उसका 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं, पिता माता धन्य हो जाते हैं, जो पूर्वज जो पहले चले गए वो हाथ उठा उठा कर नाचने लग जाते हैं, और भाग्य हमारे वंश में भक्त जन्म ग्रहण किए। इसलिए एक संत पुरुष जन्म होने का बड़े लाभ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते अपना जो भक्तों को उन्होंने सब अलग 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 जगह पर जन्म दे दिया, लेकिन खुद कहां पर जन्म लिए, बोले गंगा किनारा नवद्वीप में, गंगा पवित्र स्थान है और स्वयं गंगा निकट में महाप्रभु जन्म ग्रहण, श्री नवद्वीप में नदिया में महाप्रभु जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए महाप्रभु आने से पहले श्री अद्वैत आचार्य आए, कहते अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु ये सदाशिव श्री अद्वैत आचार्य, उन्होंने आकर के देखा ये कलयुग का दुर्दशा को उन्होंने देखा, देखा कोई भी हरि कीर्तन नहीं कर रहे, कोई हरि नाम कीर्तन नहीं करते हैं, इसलिए और जिसको पास में सबसे बड़े आदमी किसको मानते हैं, जिसको पास में 10-20 पीछे पीछे भी जिसको लोग चलते हैं, कहते बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े। और करते हैं क्या, जिसके पास में ज्यादा पैसा क्या करते हैं, कुत्ता कुत्तियों को शादी करवाएगा और उसमें लाख करोड़ पैसा खर्चा करते हैं, और बिल्ला बिल्लियों को शादी करवाते हैं, शादी करा के हजार रुपया करोड़ रुपया उसमें खर्चा करेंगे, और जो भजन करते हैं गला में कंठी तिलक चोटी, अगर कोई चोटी धारण करे ना, अभी भी बंगाल में कैसा, अगर जिसका चोटी बोले क्या एरियाल है, जिसको गले में कंठी है बोले भैया तुमने क्या पाप की, गले में लकड़ी तुमने पहनी, अगर कोई तिलक लगा दे बोले क्या बगुला टाटी कर दिया है, ऐसे 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 लोग है, जो भक्ति करने वालों को ऐसे ऐसे लोग है।
इसलिए जो भजन कहते थे नवद्वीप में, जैसे श्रीवास पंडित वो नारद है, वो चार ही भाई भजन करते कीर्तन करते हैं, भले इनको रात भर भूख में सो नहीं पाते, रात भर चिल्लाते रहते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण नाम करते थे, चिल्लाते हैं, भले इनका घर को उखाड़ कर फेंक दो गंगा जी को, ये रात भर चिल्लाते हैं हमको सोने नहीं देते, और रात भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे उनको गाली गलत करते थे, संत लोगों को भक्ति करने नहीं देते थे। और जो गीता भागवत पढ़ते थे, गीता भागवत का जो तात्पर्य जो भक्ति है वो भजन भजन से नहीं, केवल आपस आपस में तर्क वितर्क, केवल तर्क वितर्क करते थे आपस आपस में, केवल यही करते थे। जब से अद्वैत आचार्य आए और जगत का दुर्दशा को देखा, हाँ कोई भजन भजन से कोई मतलब नहीं, और कितना भाग्य से ये मानव शरीर मिला, ये शरीर पाकर कहां भक्ति करनी चाहिए, कोई भक्ति नहीं कर रहे, कोई भजन नहीं कर रहे, उन्होंने बड़े दुखी हो गए, बड़े दुखी। बोले दुखी क्यों हुए, दुखी होने का कारण क्या, बोले कारण है कहते ये महाविष्णु है, हाँ ये महाविष्णु, महाविष्णु का जो काम है वो जगत को उन्होंने सृष्टि किया है, जगत को उन्होंने सृष्टि किया। जैसे कोई माता इस बच्चे को जन्म दे, हाँ पिता माता का कर्तव्य है बच्चों को पालन करना, उनको लालन पालन करना, उसी तरह उन्होंने दुनिया को सृष्टि उसने किए है, इसलिए उनका कर्तव्य है जब सृष्टि किए इनको पालन करना भी इनका ही दायित्व है। बोले कैसे पालन करें, बोले भक्ति को द्वारा। ये मानव शरीर का तभी सार्थकता जब ये मानव शरीर पाकर भगवान की भजन करे, तभी ये मानव जन्म की सार्थकता है। इसलिए अद्वैत आचार्य देख करके बड़े दुखी होते हैं, कोई भी प्रभु की भक्ति भजन नहीं कर रहे। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य देखा, अद्वैत आचार्य महाविष्णु कहते कलिजुग का जो युग धर्म है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कहते ये युग धर्म है, कहते ये युग धर्म को स्थापन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा ब्रह्मा का एक दिन में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और ये ब्रह्मा का एक दिन में अभी श्री चैतन्य महाप्रभु आने वाले, और चैतन्य महाप्रभु आएंगे तभी उन्होंने वो ब्रज प्रेम को दे सकते हैं, ये गोपियों की भाव को मैं नहीं दे सकता हूँ, ये ब्रज प्रेम मैं नहीं दे सकता हूँ। और महाप्रभु आकर के ब्रह्मा का एक दिन में एक बार वो अनर्पित चरित चिराग प्रेम को प्रदान कर सकते, ये मेरे से नहीं होगा, केवल मेरे प्रभु ही ये दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने देखा भगवान को अगर जगत में प्राकट्य करना सबसे सरल उपाय क्या है, उन्होंने सारे ग्रंथों को उन्होंने पढ़े, सारे शास्त्र को उन्होंने पढ़े, पढ़ते पढ़ते उनको एक श्लोक मिला, तुलसी दल मात्रेण तुलसी दल मात्रेण तुलसी चुलुक नवा विकृणित स आत्मान भक्तवम भक्तवत्सल, एक श्लोक लिखा हुआ था, अगर कोई हृदय से हाथ में गंगा पानी ले और उसमें तुलसी दल छोड़ दे, अपना हृदय से अगर कोई ठाकुर जी को इसको अर्पण करे, भगवान अपना को इतना ऋणी, अपना को इतना ऋणी मानते हैं, भगवान अपने से ज्यादा कोई ऋणी हो जाए ना, हम क्या करते हैं, सीख लग भैया ऋणी के इसका ऋणी के सम चुका है, कहते उसी तरह ठाकुर जी इतने ऋणी बन जाते हैं, कहते उनका ऋणी में कैसे चुका, इसलिए भगवान इतने ऋणी बन जाते हैं। हाँ अभी प्रश्न है भैया, ये तुलसी और गंगा पानी में है क्या चीज जो कि भगवान अपने को ऋणी मानते हैं। बोले ये तुलसी साधारण वस्तु नहीं, हम कहते ना वृंदा आय तुलसी देवी प्रियाई केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः, ये तुलसी कृष्ण भक्ति को देने वाली भगवान की अत्यंत प्रिया है। और जो तुलसी हाँ ये वृंदा है, हाँ वृंदा वो क्या काम करती है, दूती का काम करती है, आज राधा कृष्ण का कहाँ मिलन होगा, यही दूत वृंदा देवी को कृष्ण अपना मैसेजर रूप में भेजते हैं, वृंदा देवी जाकर खबर देती है हे राधे आज कृष्ण यहाँ कुंज बनाए, कभी राधा रानी
वृंदा भी तो कैसे बोले कृष्णा आज यहाँ कुंज बने, आज तुम्हारे दोनों का यही पर मिलन हो गया। राधा कृष्ण जब सोते हैं उनको उठाने वाले यही वृंदादेवी, मिलन कराने वाली यही वृंदादेवी। इसलिए हमारे गर्ग संहिता में बताए राधा रानी ये वृंदा की सेवा करके कृष्ण को अपना पति रूप में उन्होंने प्राप्त की। इसलिए नियम है रोज घर में तुलसी की सेवा करनी चाहिए। इसलिए तुलसी कहते आठ तरह से तुलसी कृपा करती है, बोले दृष्टा स्पीसा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता सुता। अगर तुलसी का बोले दर्शन किसने कर लिया बास पर कल्याण। स्पीसा जैसे गले में कटी धारण करते हैं, स्पर्श करता है इसको तरह भी कल्याण। तुलसी को जो ध्यान करते हैं, बोले तुलसी का जो बोते हैं, जो तुलसी वृक्ष लगाते हैं अपना हृदय में कृष्ण प्रेम को बोते हैं, नमिता जो तुलसी को प्रणाम करते हैं। इसलिए रोज हम लोग तुलसी परिक्रमा करते हैं, तुलसी परिक्रमा करते हैं। कीर्तिता सेविता जो तुलसी में जल दे उसका चारों तरफ में जैसे साफ सुथरा करे। कभी तुलसी आठ तरह से तुलसी जीवों को भगवत भक्ति भगवत प्रेम प्रदान करते हैं। हमारे भारत में एक दवा है वो इतना बड़ा बोतल आती है जिसका नाम तुलसी पावर है, उसका नाम तुलसी पावर है। उसको साथ में इतना बड़ा पेपर है उसमें 50 बीमारी का नाम लिखा हुआ। तो ऐसे कोई बीमारी नहीं जो ये तुलसी वृक्ष से सही नहीं होगा। 50 बीमारी का जो बीमारी जो कैंसर है टीबी है कभी ऐसे कोई बीमारी नहीं जो तुलसी से सही नहीं होगा। वहां भारत में मिलता है कि इधर मिलता है कि नहीं पता नहीं, उसका नाम तुलसी पावर है उसका नाम। इसलिए ये तुलसी में इतने शक्ति, इसलिए तुलसी भगवान के प्रिया है। इसलिए जब उन्होंने तुलसी अर्पण की भगवान संतुष्ट हो गए ठाकुर। और गंगा कौन है तो भगवान की चरणामृत है, शंकर जी का अपना जटा में धारण किए हैं। इसलिए गंगा की इतने पवित्रता, इतने पवित्रता गंगा की, केवल गंगा की हवा पर उसका जहां गंगा उसका हवा शरीर में लग जाए तो अपने आप मुंह से भगवान के नाम निकलना आ जाती है। इसलिए गंगा अत्यंत पवित्र। इसलिए ये दो चीज जब उन्होंने अर्पण अद्वैत आचार्य की, भगवान जो सो रहे थे कहां पर गोलोक वृंदावन में जो सो रहे थे, महाप्रभु बोले सुतिया अछिन्न खीर समुद्र सागरे निद्रा भंग है लमर नड़ार भंडारे। मैं तो सो रहा था गोलोक वृंदावन में, लेकिन नारा मतलब हिला देना। उन्होंने जब तुलसी गंगा जल दे करके मुझे आह्वान की, मेरा आसन हिल गया, आसन हिल गया और स्वयं और सच्चिदानंद गौर हरि रूप में कदिये जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए जब उन्होंने ऐसे की, अभी महाप्रभु जन्म होने से पहले, चैतन्य महाप्रभु जन्म होने से पहले कदि श्री कदि उनकी आठ कन्या शरीर छोड़ चुकी, जैसे कृष्ण आने से पहले उनका 6 बेटे वसुदेव महाराज के 6 बेटे कंस मार दिया था, जैसे काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य जय, महाप्रभु आने से पहले भी उनका 8 कन्या भी नष्ट हुई है। उसको बाद में जैसे बलदेव प्रभु कृष्ण जन्म होने से पहले श्री बलदेव प्रभु अनंत देव जैसे वहां पर जन्म ग्रहण करते हैं, उसी तरह महाप्रभु जन्म होने से पहले कहते श्री स्वयं बलदेव प्रभु कहते हैं श्री विश्वरूप रूप में, महाप्रभु का जो बड़े भाई का नाम था श्री विश्वरूप, वो विश्वरूप रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। कभी ये कौन है बोले धाम स्वरूप बलदेव प्रभु, धाम स्वरूप ये सेवा स्वरूप श्री बलदेव प्रभु है, उनको कौन धारण करेगा, सेवा कौन करेगा उनकी सेवा रूप में। जैसे बलदेव प्रभु पंचरस से और 10 स्वरूप से सेवा करते हैं, आसन छत्र व्यंजन उपादान 10 थली से, उसी तरह श्री उनके जो विश्व रूप है वो पहले बलदेव प्रभु रूप में वो जन्म ग्रहण करते हैं धाम रूप में, फिर उसको बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इसलिए महाप्रभु जब आते हैं जैसे साधारण जो बच्चा जन्म लेता है, साधारण बच्चा जो जन्म लेता है कहते पति पत्नी का मिलन से वो शुक्र जन्म है हमारे, लेकिन महाप्रभु का जो स्वरूप है हमारा स्वरूप है खिति जल पाप गगन समीरा पंचरचित ये अधम शरीर, हमारा अधम शरीर। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय, वो सत चित और आनंद, ये 3 स्वरूप को द्वारा भगवान के शरीर बना हुआ। इसलिए हम जैसे भगवान जन्म नहीं लेते हैं,
इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं बोले जन्म कर्म च मे दीपम एवं यह व्यति तत्वतः। भगवान का जन्म कर्म इस अपराकृत इस अवलौकिक है सब है। इसलिए सर्वप्रथम भगवान श्री जगन्नाथ मिश्र उनका हृदय में आए, सबसे पहले उनका हृदय में प्रकाश हुए और उन्होंने सच्ची माँ को बोले, सच्ची को बोले, बोले मैंने देखा एक दीप ज्योति मेरे हृदय में उतरा और मैं देखा मेरे हृदय से जो तेरी हृदय में चला गया, लगता है कोई महापुरुष साथ जन्म लेने वाले हैं, कोई महापुरुष जन्म लेने वाले। बोले हमारे हृदय है तो तुम्हारे हृदय है, अतएव जन्मी बने कौन महाशय, लगता है कोई महापुरुष जन्म लेने वाले। अभी सच्ची मैया गर्भधारण की, जब गर्भधारण की जैसे कृष्ण देव की गर्भधारण करने पर देवता लोग आकर के गर्भस्तुति करते हैं, कर उसी तरह जब चैतन्य महाप्रभु आए सारे देवता लोग आकर के भी उनकी गर्भस्तुति करते हैं, क्योंकि भगवान अभी आ रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं। हाँ बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणांग प्रपत्ति। आकृति गर्भस्तुति कर रहे हैं और सारे देवता जय जयकार कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। हाँ और उसी समय जब महाप्रभु जन्म हुई उस समय कौन सा समय था, वो था एकदम शाम का समय में हाँ? और उसी दिन था चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण के बाद में सबके सब जाकर गंगा में स्नान करते हैं। अभी महाप्रभु की जो इच्छा है, महाप्रभु आए क्यों जगत में, भले कलयुग धर्म है नाम संकीर्तन एतद अर्थे अवतीर्ण श्री सची नंदन। कलयुग का जो धर्म है नाम संकीर्तन है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कलयुग में ये नाम संकीर्तन प्रचार करने के लिए आए। इसलिए महाप्रभु ये चाहते हैं जिस समय मैं जन्म ग्रहण करूंगा सारा दुनिया जैसे कृष्ण कीर्तन करते हुए हो, कृष्ण कीर्तन करते होंगे, उसी समय में जन्म लेकर के जगत में कृष्ण कीर्तन को प्रचार करूंगा। इसलिए ग्रहण के बाद में हमारे देश में नियम है सबके सब वहां पर गंगा नहाने जाते हैं और गंगा नहाने जब जाते हैं सबके सब हरी बोल करते करते जाते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री मान चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए सबके सब हरी बोल करते करते जा रहे थे स्नान करने के लिए। ठीक उसी समय पर श्री चैतन्य महाप्रभु सची माँ के गर्भ से चैतन्य महाप्रभु जन्म ग्रहण करते हैं। जब महाप्रभु जन्म ग्रहण किए हाँ, जब महाप्रभु जन्म ग्रहण किए सबके सब अपने आप प्रसन्न हो गए, अपने आप सभी का हृदय में एक दिव्य आनंद गिला रही क्योंकि भगवान जन्म ले रहे और सबके सब हरि बोल करके गंगा में नहा रहे हैं। और जब महाप्रभु जन्म हुए सारे नवद्वीप वासी प्रसन्न होकर के सबके सब महाप्रभु को स्नान करके दर्शन करने के लिए आए और सबके सब बड़े सुंदर सब भजन गा रहे हैं। इसलिए हम भी भजन गाएंगे, अभी महाप्रभु जन्म लिए कृष्ण का भी भजन गा लो, जैसे कृष्ण जन्म होते हैं ना ऐसे भी भजन गा लो। हाँ जी वैसा और जैसे और कुछ काल और भी कोई भजन जानते हो, जैसे जैसे कृष्ण से जन्म पर अब वो भजन गाते ना पल्ला में झूला तो कैसे हाँ उसको कहा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। झूला झूले कन्हैया मोरे, पालना झूला झूले कन्हैया मोरे,
Kiva jaya jaya Gora Chandi Arati ko sobha Kiva jaya jaya Gora Chandi आरति को शोभा जाह्नवी तट बनी जगमन लोभा जाह्नवी तट बनी जगमन लोभा जग जनी मन लोभा
मधुर मधुर बाजे शंकर घंटा फल कर ताल मधुर बाजे गौरा के मोहन रूप सुंदर पीताम्बर जी के
ललिता माधव स्वामी विश्व भानु कन्या जय जय राधा रमन हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल hari bol 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 hari Ram, Ram Ram, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bolo, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Govinda, Krishna Govinda, Krishna Govinda, Krishna Govinda, Krishna Govinda, Govinda Gopal Nandana. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
I'm gonna go get
নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল গীতাই গৌর হরি 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 গীতাই গৌর হরি হরি নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল 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 নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল গীতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল জয় শ্রী গুরু গৌরানন্দ দুর্গা গিরধারী জো শ্রী রাধা বিনোদ বিহারী জো সন্ধ্যারত্রী কি জয় নিতলীলা প্রভৃষ্ণ বিষ্ণুপাদ অষ্টোদর সদশ্রী সিদ্ধি শ্রী মধুভক্তি শ্রী রূপ সিদ্ধান্তি গোস্বামী মহারাজ জনিত লীলা প্রভৃষ্ণ ভক্তি প্রজ্ঞা কেশব গোস্বামী মহারাজ জয় জনিত লীলা প্রভৃষ্ণ ভক্তি বেদান্ত শ্রীল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ জয় জনিত লীলা প্রভৃষ্ণ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ জয় জনিত লীলা প্রভৃষ্ণ ভক্তি বেদান্ত স্বামী মহারাজ কি জয় জয়িত লীলা প্রভৃষ্ণ গৌর গোবিন্দ মহারাজ কি জয় জয়িত লীলা প্রভৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কি জয় মহাভাগবত শ্রীল গৌর কিশোরদাস স্বামী বাবাজী মহারাজ কি জয় সচিদানন্দ শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কি জয় বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস স্বামী বাবাজী মহারাজ কি জয় জয় শ্রী রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ হরিজীব গোপাল ভট্টদাস রঘুনাথ দেই ষড় গোস্বামী প্রভু কি জয় নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর কি জয় প্রেম সুখ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রী গৌর ভক্ত বৃন্দ কি জয় রায়ানন্দ স্বরূপ দামোদরাদি গুরু পার্ষদ বৃন্দ কি জয় নরতম শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস প্রভুত্রয় কি জয় রাধা কৃষ্ণ গোপী গোগোবর্ধন রথকুন্দ শ্যাম গুরুদ্বাদশ বনাত্মক শ্রী বৃন্দাবন ধাম কি জয় জয় শ্রী নবদ্বীপ ধাম কি জয় জয় শ্রী পুরুষোত্তম ধাম কি জয় বলদেব সুভদ্রা জগন্নাথ সুদর্শন চক্র কি জয় হরিনাম সংকীর্তন কি জয় ভক্ত তুলসীদেব কি জয় গঙ্গা যমুনা সরস্বতী জি কি জয় চারিধাম চারি সম্প্রদায় চারি আচার্য কি জয় জয় শ্রী গরুদেব কি জয়
भक्त श्रेष्ठ श्रील प्रभुनाथ महाराज विजय सर्व विघ्न विनाशन नरेंद्र श्रीहरि विजय जय श्री अनंत कोटि गौर भक्त वृंद विजय समागत गौर भक्त वृंद जय हलाल हर्ष भक्त वृंद विजय पिताई गौर भरमन ते हरि हरि वृंदाय तुलसीदेव भाई प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेव सत्वते नमः पंचाग्र त्रिभस्य कृपा सिंधु भजव च पत्तनाम पावन भो वैष्णव भो नमः।